अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2023। फूड फ्यूजन का पहला व्लॉग है इस साल और इस व्लॉग में हम फूड फ्यूजन की टीम इफ्तार का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये पूरी वीडियो अबाउट दिस इफ्तार पार्टी है। साइमा आपको बताएंगी कि इस पार्टी में हमने क्या किया। हर साल हम बाहर जाके इफ्तार करते हैं, मगर इस साल हमने सोचा कि हम एक इनफॉर्मल सी इफ्तार रखें ताकि सब अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें, एक अच्छे एम्बियंस में, अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के टाइम स्पेंड कर सकें। तो हमने सोचा हम अपने घर के गार्डन में इफ्तार अरेंज करते हैं। ये हमारा गार्डन है जहाँ पर हमने पूरा प्लान किया है कि किस तरह हम इफ्तार कर रहे होंगे। आपके साथ इस व्लॉग में हम बहुत डिटेल में शेयर करेंगे कि मेन्यू के बारे में, हमारे सेटअप के बारे में, किस तरह हम घर में इसकी इफ्तार का सेटअप करने जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यस, लड़कों ने भी कुकिंग करनी है। एवरीवन इज गोइंग टू पिच इन, पुट इन देयर टाइम। और मैंने एक बड़ी स्पेशल चीज़ की है, यहाँ पे पूरा जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसके जो तख्त के टेबल्स हैं, जो लो हाइट टेबल्स हैं, तो वो मैंने खुद बनाया। तो 4 डेज अपने टूल वूल सारे निकाले। आई थरली एंजॉय दिस प्रोसेस एंड आपके साथ वो भी शेयर करेंगे कैसे बनाए। अजय जी चलते हैं फूड फ्यूजन स्टूडियो एंड लेट अस शो यू व्हाट्स हैपनिंग इन द किचन। ह्यूज ट्राइफल्स बने जा रहे हैं। ये क्या समोसे की फिलिंग बन रही है? ये बन रहा है काठियावाड़ी छोले, दही बड़े बना रहे हैं, इनकी फुल्कियाँ हैं। सेंटर लाइन नहीं है, सेंटर लाइन करें इसको भाई। समोसे फोल्ड कौन करेगा भाई? सर ये लड़के करेंगे ना, वो आएंगे। सारे लड़के फ्रूट चाट बना रहे, क्या मतलब है? उन्होंने क्या सोच के रखा भाई, काम भी करना है, फ्रूट कटिंग शुरू करें। Voices are cooking, मैं कितना खुश हूँ आज। तो ये देखो चक 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 चक। आप क्यों हंस रहे हैं? मैं इनको देख देख के हंस रही हूँ। यही थे ना वो जिन्होंने कहा था मैं कुकिंग नहीं करूँगा। मंडा सीख गया। आ जाओ जी, मैं आपको सुगड़ मंडा शो दिखाता हूँ। समोसे फोल्ड हो रहे हैं, पहले करके दे रही है। देखो कितना प्राउडली बता रहा है, फोटोशॉप पे डालो फौरन बन जाएगा। चीज दिखाता हूँ, ये सदर बैठी है, इन्होंने पीछे वो अपनी चीज कस्टडी में रखा है। हालांकि सबके रोज है मगर फिर भी अपनी कस्टडी में रखा है कि कोई मेरे बड़ों को कुछ ना करे। समोसे फ्राई होने लगे हैं, नॉट बैड। ये लड़कों ने फोल्ड किए तो बुरे नहीं है जब। जी सर, अच्छे बने, शरबत बन रहे हैं, वेरी नाइस। तो भाई फाइनल तैयारियां रेडी हैं, सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। ये देखें जावेद भाई यहाँ पे पकौड़े फ्राई कर रहे हैं और ये इतने पकौड़े हो गए हैं। ये चटनियाँ हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थिक सी चटनी है, मीठी चटनी है। ये हरी चटनी है, जस्ट लुक एट द कलर, लुक एट दिस, ये हरी चटनी है। करें फ्रूट चाट, ये होते हैं बघार वाले दही बड़े। वाटरमेलन काट रहा हूँ, वाटरमेलन आप लोगों के लिए थोड़ा स्टाइल में वाटरमेलन कट होगा। नीड अ शार्प नाइफ फॉर दिस। ये पूरा लाल है, मैचेस बन गए। वाटरमेलन बोट हमने बनाई है, जिसको चाहिए ना वो एक बोट खा ले। वाटरमेलन को काट के इसी को हमने वापस इसमें डाल दिया है एंड वी हैव अ नाइस बास्केट, क्योंकि हमारे पास बोल्स खत्म हो गए थे तो मैंने इसी को बोल बना दिया। ये थोड़े से चंकी पीसेस हैं, ये हम तरबूज के शरबत में डालेंगे। याद है वो रेसिपी अभी हमने रमजान में रिलीज की है, तरबूज का शरबत भी बनाने जा रहे हैं। ये देखो कैसा, लुक एट दिस। मुझे टेंशन हो रही है पीछे घर पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या वहाँ पे साइमा लोग क्या सेटअप कर रहे हैं एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग। तो मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, गो चेक इट आउट। मगर इससे पहले साइमा से पूछते हैं कि टेबल्स का क्या चक्कर है। असद को हर चीज़ खुद करनी होती है, तो जब मैंने कहा कि हम गार्डन में फ्लोर सिटिंग करें और वहाँ पे नीचे बैठने का इंतज़ाम करें, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर नीचे ही बैठना है तो लो हाइट वाले टेबल्स तो हमारे पास है नहीं, कुछ अरेंज करें घर में से। तो मैंने कहा घर में नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसका मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, वो ये कि मैं तुम्हें बना के दूँगा 3 डेज़ में। और वो बस वो दिन था और उसके नेक्स्ट डे प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। 3 आवर्स में पहली टेबल का एक बेसिक स्ट्रक्चर वो बना चुके थे। चलें देखें कैसे बनाए हैं इन्होंने ये टेबल्स।
वेजिटेबल की लेग्स। लॉक 1 2 3 4। सो फाइनली द वर्क इज़ डन, सारी तख्तियाँ रेडी हो गई हैं। अब देखें कि फूड फ्यूजन की इफ्तार कैसी जाती है। सारे वेल कोऑर्डिनेटेड लड़कियां देखूं, इफ्तार वाले दिन दो दो कपड़े चेंज करने का भी बंदोबस्त है। ये भी इसने भी चेंज कर लिया, तुमने भी कपड़े चेंज कर लिए। क्यों नहीं यार, मैं भी जाके कुछ चेंज वेंज करके आता हूँ। वही मेरे पास दूसरी काली शर्ट है, वो पहन लेता हूँ। हाँ जल्दी से बताए मेन्यू में क्या क्या है। पकौड़े हैं, काठियावाड़ी चाट है, फ्रूट चाट, क्रीम फ्रूट चाट, चटनियाँ, दही बड़े, समोसे और एंड सो ऑन, और बाकी डिजर्ट्स अभी आएंगे।